हम शहद भी हैं और जहर भी। जायका आपकी तहजीब पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल HTORB में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है आप सभी के लिए विशेष खास होने वाला है, यानी सितंबर माह 2024 का मासिक यानी मंथली प्रडिक्शन कैसा रहेगा आपके लिए, कैसे रहेंगे आपके ग्रह आपके लिए, क्या फलाफल देंगे आपके ग्रह आपके लिए, आपकी सारी चीज़ों का समावेश, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का समावेश रहेगा इस राशि चक्र की वीडियो में। दोस्तों, सितंबर माह का जो विशेष राशिफल है वो आपके लिए किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको लाभ लेना है अपने ग्रहों से। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने से ही फल मिलता है दोस्तों। यदि हम कर्म को सही तरीके से नहीं करते हैं तो फल की इच्छा बहुत कम हो जाती है, यानी फल मिलने का जो स्रोत है, फल मिलने की जो कामना है, फल मिलने की जो सोच है वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए कर्म अच्छे करिए, सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कार्यक्रम है ये सितंबर माह के लिए 2024 के लिए धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं अपनी कुंडली पर, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता नहीं है, तो आप दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके मुझसे संपूर्ण प्रेडिक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप बीमार हैं, रुग्ण हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो आप हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक मुझसे फ्री प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं उपाय के सहित। यानी गरीब का भी हक बनता है, बीमार का भी हक बनता है और विद्यार्थियों का भी हक बनता है कि उनको जो है सही मार्ग मिले। जो गरीब हैं वो जो है अमीर बने और जो बीमार हैं वो सही हो जाएं। तो इस तरीके से सबका अधिकार होता है। ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। तो आपकी धनु राशि बनती है और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि छठे भाव में विराजमान हैं। वहीं आपके शनि देव जो है थर्ड हाउस में विराजमान है, मंगल देव सप्तम भाव में विराजमान है और बुध के साथ सूर्य जो है भाग्य स्थान में विराजमान है, केतु के साथ शुक्र जो है आपके कर्म स्थान में विराजमान है। और यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनती है चंद्रदेव की, चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और 1 माह में पूरे 12 राशियों में घूम जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, यानी लग्न भाव से ही देखा जाता है, प्रथम भाव से आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। तो यहाँ के जो मालिक हैं वो छठे भाव में बनते हैं और छठा भाव अच्छा नहीं होता है कुंडली का, ऋण रोग और शत्रु का होता है। यानी हमारी जो शरीर में बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उन सभी का जो सिस्टम है वो लग्न भाव से देखा जाता है और लग्न भाव के स्वामी आपके छठे भाव में हैं, ऋण रोग शत्रु घर में हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है अपनी शारीरिक प्रॉब्लम से बचना है, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, लीवर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खान पान से रिलेटिव दिक्कत हो सकती है, कहीं पर आप यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बच करके चलना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन जरूर करना है ताकि आपका स्वास्थ्य फिट रहे। यानी दोस्तों, यदि आपके पास आप धनाढ्य हैं और आपके पास जो है सब कुछ है भगवान ने दे रखा और स्वास्थ्य आपका फिट नहीं है, तो आपके पास वो धन किसी काम का नहीं है। यानी धन का उपभोग भी आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। तो शरीर की एन के एन प्रकार से रक्षा करिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर माह। यानी विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं। तो यहाँ के जो मालिक बनते हैं पंचम भाव के, वो मंगल देव बनते हैं और मंगल देव आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं और सप्तम भाव में विराजमान होने से जो है आप अपनी मन की करोगे, आपको जो है लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आप जिस क्षेत्र में भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, कहीं भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो भी कर लीजिए, आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। थोड़ा सा ईगो हटा देना है मन से, जो अत्यधिक मतलब जो है मानसिक प्रवृत्ति जो ऐसी हो जाती है कि मेरे बराबर कोई नहीं, वो स्थिति मंगलदेव करते हैं दोस्तों,
तो उसको जो है थोड़ा सा आपको नॉर्मल रखना है और अपनी पढ़ाई पे आपको विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते रहिए, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित यदि आप फॉर्म फिल आपने किया हुआ है तो वहाँ से भी आपके जो आसार हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी आपकी पढ़ाई से हटेगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप आगे भी बढ़ोगे। पंचम स्थान से ही देखा जाता है आपके जो है प्रेम प्यार के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। तो यहाँ के जो मालिक हैं वो मंगलदेव हैं, थोड़ा सा आपके अंदर आपका प्यार प्रेम तो बहुत अच्छा रहेगा, जिन लोगों का नहीं है उनका भी होगा, यानी पहले से फाइट हो गई थी वो भी आपकी पैचअप हो जाएगी, यानी पहले से कोई दिक्कत चल रही थी वो भी ठीक होने के आसार हैं। तो आपका जो प्यार प्रेम है रहेगा अच्छा, लेकिन एक दूसरे के मन में जो है शंका नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के मन में ईगो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपका प्रेम प्यार जो है रंग लाएगा, आगे बढ़ेगा और स्थिति भी अच्छी रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो किस तरीके से रहेगी। मैरिड लाइफ के जो मालिक बनते हैं वो बुधदेव बनते हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो आपका जो है अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा आपका जो है वैवाहिक जीवन दिख रहा है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुंदर दिख रही है। एक दूसरे के विचारों का आप सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सहमति पर आप जो है सहमति जताएंगे, एक दूसरे का जो प्रेम व्यवहार है, प्रेमालाप है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कहीं यात्रा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है कोई चीज़ आपने सोची है और पहले से पूरी नहीं हो रही थी वो भी पूरी होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो आगे बढ़ने की युति यानी अभी का जो सितंबर माह है आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा रहेगा। और आपका जो है 23 सितंबर के बाद और भी अच्छा रहेगा, जब बुध देव आपके अपनी राशि में चले जाएंगे, तो अच्छी स्थिति आपकी बनती है, बहुत शुभ है। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी भाग्य, करियर और बिजनेस की। यानी भाग्य के जो मालिक हैं सूर्यदेव वो अपने घर में विराजमान हैं, यानी भाग्य के मालिक भाग्य भवन में विराजमान हैं। और दूसरी बात ये है कि बुध भी साथ में है, तो बुधादित्य योग बन रहा है आपके भाग्य भवन में। यदि आप जो है कहीं पर संपत्ति खरीदना चाहते हैं, यदि आप जो है वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, संपत्ति में जो है आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने कहीं पर पैसा लगाना आप चाह रहे हैं, आप जो है किसी मांगलिक कार्य शुभ कार्य की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, या आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आगे तक आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी और भी अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। यानी 23 सितंबर के बाद 18 सितंबर को शुक्र जो है जब यहाँ आ जाएंगे आय स्थान में, उसके बाद और भी अच्छा है। तो आप जो है कहीं पर भी कोई कार्य करना चाहते हैं, कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं, अनायास ही आपको धन की प्राप्ति होगी। जो धन आपने लगा रखा था उसकी भी आपको प्राप्ति होगी और अच्छी प्राप्ति होगी। कोई विशेष व्यक्ति आपका जो है हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएगा, तो यहाँ भी स्थिति आपकी शुभ बनती है। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके करियर की। करियर के जो मालिक हैं यहाँ पर क्या है, केतु भले ही है, केतु क्या है, माइंडलेस ग्रह है, यानी जिसके पास जो है दिमाग नहीं है, यानी नीचे का यानी धड़ है, यानी ऊपर का सिर नहीं है, तो यानी दिमाग नहीं है तो माइंडलेस हो गया। तो ऐसी स्थिति होने से जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन वहाँ पर शुक्रदेव हैं और शुभ ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति होने से आपका प्रमोशन होना, आपको आगे बढ़ना, आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिलना, आपका जो है कोई कार्य आपने कर रखा है उसका भी फल आपको मिलेगा, आपका जो है नेम फेम होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, कोई कार्य के प्रति आप जो है समर्पित हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको वहाँ पर भी लाभ मिलेगा, आप कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो करियर कुल मिला के आपका साथ दे रहा है। थोड़ा सा आपको जो है क्रोध से बचना है, ईगो से बचना है और अपने से बड़ों का सम्मान करना है, कहीं पर राजनीति नहीं चलानी है, यानी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो आपका जो है शुक्रदेव आपके साथ देंगे और आपका करियर शुभ रहेगा, यानी आपकी नौकरी के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। कब, यानी 18 के बाद और 23 के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर करियर और भाग्य भी आपका बहुत शुभ है, गजब का है। उसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों आपके व्यापार और बिजनेस की। यानी यहाँ पर मंगल देव विराजमान है और बुध देव भाग्य भवन में है, तो आपकी डेली इनकम बहुत अच्छी रहेगी। आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें आपको
लाभ मिलेगा, आपके बैंक में जो है क्रेडिट होगा, डेबिट घटेगा। इसके साथ साथ में आपको जो है कहीं पर पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला करके आपका जो व्यापार बिजनेस है उसमें भी लाभ मिलेगा, आप पैसा लगा सकते हैं, आप व्यापार बेधड़क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ साथियों, किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा जो है दिक्कत का विषय है, यहाँ पर थोड़ा सा किसान भाइयों को संभल के चलना है, अपनी फसल की रेख देख अच्छे से करनी है, तो किसान भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा। दोस्तों क्या करना है आपको, उपाय उपाय में आपको जो है देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में है जो शुभ नहीं है, ऋण रोग शत्रु पक्ष में है, तो यहाँ पर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरवे नमः इसकी एक माला का जाप आप जरूर करिएगा, और इसके साथ में यदि कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। और यदि आप जो है पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ना अच्छी जानते हैं, गलती नहीं करनी है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको जो है दोस्तों यानी यहाँ पर जो है मंगल की बीज मंत्र की माला एक जरूर आपने करनी है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सभौमाय नमः, और चंद्रमा की यानी चंद्रमा से रिलेटिव भी आपको जाप करना है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सच्चंद्रमसे नमः। तो इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो, यही माता रानी से कामना करते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो लोग पहले से हैं वो जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर माह। राधे राधे, हर हर महादेव।